नमस्कार, वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और अपने जैसा कि आप सभी को पता है, लद्दाख राइड कंप्लीट हो चुकी है। और मेरे बहुत सारे जो मित्र लोग थे, मतलब मैंने एक वीडियो डाला था पहले, चेकर्स फ्लैग के जो शू कवर थे उनका, बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाह रहे थे कि आखिर लद्दाख राइड में उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया और क्या अब उनकी हालत है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जो लद्दाख में मैं गया था, वहाँ पे जो शू कवर लेके गया था मैं, वो किस टाइप के थे? मतलब वो 500 से 600 रुपए के थे। और वहाँ पे जो माहौल होता है उसके अंदर शू कवर या फिर आपको वाटरप्रूफ शूज़ की बहुत ज़रूरत होती है, तो उन शू कवर्स का क्या हुआ? तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अभी उनकी क्या हालत है। तो लद्दाख राइड के बाद कुछ ऐसी हालत हो गई है इनकी शूज़ की, शूज़ कवर की, सॉरी। और मैं बता रहा था आपको कि जैसे मेरे ये जो मेरा शूज़ था उसके ऊपर छोटा सा एक बकल टाइप था, तो उससे ये रगड़ खा के पूरा एक ही बार में, मतलब ये दूसरे तीसरे दिन ही फट गया था। और इनकी हालत ऐसी है कि शायद मैं इनको दोबारा यूज़ ना करूं, क्योंकि इनकी क्वालिटी कुछ ऐसी ही थी कि ज़्यादा इनको यूज़ कर नहीं सकते। इनका जो लेंथ थी वो जो मेरे को लद्दाख राइड है उसमें थोड़ी सी मेरे को कम लगी, क्योंकि और होनी चाहिए थी और इनको काफ़ी एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही थी। और जो ये इनका स्ट्रैप है, जो कि इसको ऐसे करके बकल करना पड़ता है यहाँ पे दूसरी साइड, तो ये स्ट्रैप है, इस स्ट्रैप के कारण काफ़ी परेशान होना पड़ रहा था। ये बार बार खुल रहा था और बहुत ज़्यादा समस्या कर रहा था ये स्ट्रैप। कई बार तो ऐसा हुआ, ये जैसे हम बीच में उतरे तो ये साइड में और कहीं गिर गया और कुछ हो गया। और जो इसके फ्रंट वाला जो ये एरिया है, यहाँ पे भाई साहब, जब आप जैसे किसी वाटर क्रॉसिंग में जाते हैं तो पानी उछल के इसमें चल जाता है, तो वाटर क्रॉसिंग के हिसाब से तो ये जो शू कवर है बिल्कुल भी वेस्टेज है, मतलब बिल्कुल काम के नहीं है। ये केवल आपको इतना सा बचाते हैं कि छोटा मोटा जो कीचड़ हो उसके अंदर आप लोग इससे बच सकते हैं। तो ये जो दोनों शू कवर थे, अभी इनकी आप हालत देख रहे हैं किस टाइप से हो रही है। तो इन फ्यूचर क्या मैं इनको यूज़ करूँगा? आई डोंट थिंक सो कि मैं इनको यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इनकी क्वालिटी ऐसी थी कि बस ये सिंगल राइड में यूज़ आ सकते थे। अब ये बिल्कुल हर जगह से, मतलब ऐसे फटे फटे से हो गए हैं। और ये देखो यहाँ, तो इसकी देखो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत हो गई है यहाँ पर। और जो इनके ये बांधने वाला सिस्टम था ये भी कुछ इतना खास नहीं लगा। तो कुल मिला के मैं ये बताऊँगा कि लद्दाख जैसी रॉन्ग राइड के लिए तो ये जो शू कवर थे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगे मेरे ओपिनियन में, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उसके अकॉर्डिंग। बाकी और किसी को अगर इसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा तो रहा होगा, बाकी मुझे ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं रहा है। छोटी बहुत ही बिल्कुल मामूली सी जो बारिश होती है उसके अंदर, और जो गीली रोड होती है उसके ऊपर जो स्पैशेस आते हैं उनके अंदर, ठीक है, ये एवरेज काम कर जाता है। इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो शू है उसके ऊपर कोई भी ऐसे नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन शूज़ होने चाहिए आपके, तब तो ये बिल्कुल सही काम करता, नहीं तो वैसा आप ये क्या करते हैं, वो कुछ भी आपकी नुकीली चीज़ हुई शूज़ के ऊपर तो ये इसको फाड़ देगी। इसकी ग्रिप की बात करें तो ये ग्रिप है जो नीचे वाली ग्रिप, ये भी काफ़ी परेशान करी मेरे को। मतलब कि जैसे हम कहीं पर रुकते थे तो ये इससे स्लिप मारता था और काफ़ी अजीब सा लगता था। और मतलब आपके पास अगर बिल्कुल एवरेज शूज़ हैं और उनको आप वाटरप्रूफ बनाना चाहते हैं तो ठीक है, काम चलाऊ है, बट लद्दाख जैसे एक्सट्रीम राइड पर आप इनको मत लेके जाना, इससे बेस्ट है तो वहाँ पे जो गम बूट मिलते हैं ना, 300-400 रुपए के होते हैं, वो बेस्ट है वाटर क्रॉसिंग करने के लिए। हाँ, उनमें सेफ्टी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अगर आपको केवल पानी से बचना है तो वो बेस्ट चीज़ है, इनमें भी सेफ्टी कौन सी है, ये भी केवल कवर ही है। एक चीज़ और कि ये जो जब इसके अंदर जैसे आप किसी वाटर क्रॉसिंग के अंदर जाते थे, मतलब जैसे मैं किसी वाटर क्रॉसिंग में गया तो ये अंदर से पूरा पानी से फिल हो जाता था, फिर मेरे को इसको खोल के पूरे कवर को उतार के इसमें से पानी निकालना पड़ता था, और वो भी काफ़ी हेडेक वाला काम था। तो मतलब इतना कुछ खास नहीं रहा इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ। तो ये जो छोटा सा वीडियो था, ये कुछ जो इससे रिलेटेड सवाल थे उनसे, मतलब उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।